आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा गत दिनों प्रदेश में शिक्षा गारंटी की योजना का जिक्र किया था। इस योजना से न केवल प्रदेश में शिक्षा की दिशा बदलेगी बल्कि सरकारी स्कूलों के साथ बच्चों का भी बेहतरीन विकास होगा। ये बात शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा ने कही। मनीषा ने कहा कि शिक्षा गारंटी को आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। शिक्षा की जो 5 गारंटियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अच्छी और फ्री शिक्षा, शानदार स्कूल, निजी स्कूल की फीस वृद्धि की मनमानी पर रोक, कच्चे शिक्षकों को पक्का करने और रिक्त पदों को भरना व शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का ही काम होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में शिक्षा का स्तर उठने की बजाय गिर गया है और यही वजह है कि लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने की बजाय निजी स्कूलों में भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक कमीशन पास करके आते हैं, ऐसे में जब उन्हें स्कूलों में सही सुविधा नहीं मिलती तो वो बच्चों को भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा कभी जनगणना के काम पर लगा दिया जाता है तो कभी चुनावी ड्यूटी के नाम पर इनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा गारंटी की योजना हिमाचल को देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनीषा, प्रदेश प्रवक्ता, हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी। आज शिक्षा के विषय पे मैं बात करूंगी। शिक्षा के लिए जो केजरीवाल जी ने हिमाचल को गारंटी दी है और ये हिमाचल में आगामी चुनावी घोषणा के चलते ये उनकी पहली गारंटी है, पहली घोषणा है। और ये इतने अच्छे मुद्दे पे, इतना बेसिक मुद्दा जिसकी हिमाचल को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है और मुफ्त शिक्षा की जरूरत। मुफ्त शिक्षा तो पहले से भी थी लेकिन गुणवत्ता के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बीते वर्षों से और आज तक 70 सालों से स्कूलों की हालात ठीक नहीं की गई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है। फिर आप अभी जो माँ बाप हैं बच्चों के, वो ना चाहते हुए भी उनको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है और ज़्यादा फीस देनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार ने इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करी नहीं है। उनको बच्चों के लिए अच्छी बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, आप देखेंगे टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं। और वहाँ पे हालांकि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारे पास जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, इतने वेल एजुकेटेड हैं, कमीशन क्वालिफाई करने के बाद आते हैं, ट्रेनिंग्स के बाद आते हैं और वो जो पोटेंशियल है उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लगा रहे। उस सबको क्या कर रहे हैं टीचर्स को कि आप मिड डे मील का जो हिसाब किताब है डेली का आप वो डाक बनाइए और आप डेली तीसरे दिन जो है वो आप सबमिट कराइए। तो ये टीचर्स का काम है, उनको आप जनगणना के काम पे लगा देते हैं। टीचर्स के लिए, टीचर्स को सरकार क्या करती है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो वहाँ पे उनकी ड्यूटीज लगा दी जाएंगी। तो शिक्षा को छोड़ के बाकी सब कामों में उस पोटेंशियल को यूज़ किया जा रहा है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को जो फ्री नहीं छोड़ा जाता। और आप देखेंगे हिमाचल में 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। तो आप देखें एक ऑन एन एवरेज 5 क्लासेस, एक क्लास के बच्चे में 5-5 सब्जेक्ट होते हैं या 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 25-30 सब्जेक्ट हैं। तो वो 25-30 सब्जेक्ट 5 क्लासों के एक शिक्षक पढ़ाएंगे, क्या ये शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे, क्या इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने शिक्षा के लिए कि एक सबसे पहली गारंटी जो है हिमाचल में वो शिक्षा के लिए है। और वो गारंटी मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो उनकी खाली चुनावी ये जुमलेबाजी नहीं है, हमेशा ही जो भी घोषणा वो करते हैं चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो तो वो उसको पूरा करते रहे हैं। और आप देखेंगे कल की न्यूज़ है, आज सुबह ही मैंने शेयर करी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, दिल्ली के जो स्कूल है उसकी चर्चा हुई है, उसको एक मॉडल की तरह, एक अच्छा मॉडल उसकी खबर चली है। तो ये कितनी बड़ी बात है दिल्ली के लिए, हमारे देश के सम्मान में कितनी बड़ी बात है। और इसी की तर्ज पे मैं चाहती हूँ और हम सब हिमाचलवासी चाहते हैं कि शिक्षा पे काम हो। तो ये उन अभिभावकों सबके लिए एक बहुत खुशखबरी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बहुत दुख मन से भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत लाखों फीस आपको एक क्लास के लिए देनी पड़ती है। आजकल अगर आप देखें
नर्सरी में बच्चा जा रहा है तो कम उसकी जो फीस है 50,000 से ऊपर, लमसम आप लगा लो 60-70,000 और 1,00,000 के आसपास है, तो आप 10th तक अपने बच्चों के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन सब उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें 5 गारंटीज हैं, मैं एक एक करके आपको सारी। अच्छी शिक्षा, तो फ्री एजुकेशन तो ऑलरेडी है ही, लेकिन फ्री के साथ उसकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली में है और वो अच्छे जो बच्चे हैं अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, तो उसके कि आपको टीचर्स को और काम नहीं कराएंगे, सिर्फ उसकी शिक्षा पे ही, बच्चों की शिक्षा पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। दूसरी जो गारंटी है वो है अच्छे शानदार स्कूल, अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी बच्चों के लिए। आप देखें हिमाचल में अभी आप आसपास का ही कोई अगर उदाहरण ले लें, 4 दीवारी नहीं है, स्कूल की हालत जर्जर हो गई है, बिल्डिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, पानी नहीं होता बच्चों के लिए, और उससे भी ज़्यादा जो है टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं जहाँ से बीमारियाँ पनपती हैं। तो टीचर्स इस माहौल में कैसे पढ़ाएंगे, और जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर होकर फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके एक रोटी वो कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अपना तंगी में काट करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटा करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो इन सब बातों के लिए जो ये सोल्यूशन है कि अच्छे स्कूल्स बनाए जाएंगे, अच्छी बिल्डिंग्स बना जाएंगी जहाँ पे टीचर को भी पढ़ाने में आनंद आए, बच्चों को पढ़ने में भी आनंद आए, और पेरेंट्स को भी सेटिस्फैक्शन हो कि हम अपने बच्चों को अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद जो अगली गारंटी है वो ये है कि टीचर्स की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फीस मनमानी से बढ़ाने नहीं दी जाएगी। तो ऐसा होता है, देखो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी जर्जर है, गवर्नमेंट ने 70 सालों में इस पर कुछ नहीं काम किया कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा आने चाहिए, किस तरह से आपके पास इतना पोटेंशियल है तो आप वहाँ पे बच्चे, आपका इतना स्कूल आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे भेज पाएं, 25 या 30 या 50 के आसपास बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स में। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, जहाँ पे हमारे पास टीचर्स इतने अच्छे हैं वहाँ पे आप बच्चे नहीं भेज सकते। और कॉलेजेस की बात करें तो जहाँ पे बच्चे बाद में स्कूल्स के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल और टीचर्स भेजने में असमर्थ है। तो जो स्कूल्स हैं जहाँ पे कि जो हम ये गारंटी है हमारी तीसरी कि मनमानी नहीं करने दी जाएगी फीस को लेकर के, तो जो अगर सरकारी संस्थान अच्छे हो जाएंगे, जब टीचर्स जो हैं वो कंपटीशन में आ जाएंगे प्राइवेट स्कूलों से, अच्छे जो बिल्डिंग्स हो जाएंगी, तो वहाँ पे जब बच्चे आने लगेंगे, उनकी एडमिशन ज़्यादा हो जाएंगी या बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ये उनकी जो मोनोपोली है प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने की, वो चीज़ जो है कम होती है। इसमें जो प्राइवेट स्कूलों का मनमानी है कि अपनी मर्जी से जब दिल करता है फीस बढ़ा लेते हैं, बेचारे पेरेंट्स कुछ बोल नहीं सकते हैं और उनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं कि कहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है। और इसके बाद जो है सबसे अच्छी खुशखबरी है शिक्षकों के लिए, जो इतने सालों से धक्के खा रहे हैं स्कूलों में, उनको बेचारे अपने किसी तरह से कि शायद कल हमें पक्का कर दिया जाएगा, कल हमारी नौकरी जो पक्की हो जाएगी, तो बेचारे 10-10 सालों से 12-12 सालों से स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, डेली वेज पे लगे हुए हैं, और प्राइवेट जिस तरह से जॉब है उनको, तो इससे क्या होता है कि शिक्षा की ना गुणवत्ता पे असर पड़ता है। तो वो टीचर्स जो है उतना अपना जो है उतने जज्बे से काम नहीं करते हैं, उतने जज्बे से वो बच्चों को पढ़ाना या नहीं पढ़ा पाते हैं कि उनकी गारंटी नहीं है जॉब की कि वो पक्की है या उनको निकाल दिया जाएगा। तो उनको जो जितने भी कच्चे शिक्षक हैं, कच्ची नौकरी कर रहे हैं, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, उनको पक्का किया जाएगा और जो रिक्त स्थान है इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, उनको भरा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है शिक्षक के लिए। और इसके बाद जो अगली गारंटी है वो ये है कि शिक्षक को सिर्फ ये मैं बोलती हूँ, इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि पार्टी इतना मेटिकुलसली, मतलब इतनी माइन्यूट डिटेल्स। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।